आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ बहुत ही खास विषय है अच्छा मेल मिलाप का क्या भेद है क्या भेद है सीक्रेट ऑफ गुड फेलोशिप कैसे हम लोग अच्छा मेल मिलाप एक दूसरे के साथ में करते हैं संगति कर सकते हैं क्या भेद है उसका इसके लिए हम लोग एक थोड़ा लंबा भाग पढ़ेंगे आ, पहला यहुन्ना की किताब पहला यहुन्ना की किताब और पहला अध्याय और पहला पद से लेकर दसवां पद तक फर्स्ट जॉन चैप्टर वन रीडिंग फ्रॉम वर्स वन लिटल लॉन्ग सेक्शन हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे दिल में हो और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इससे हम निश्चय कुछ शिक्षा को प्राप्त करेंगे <coughs> अपने बाइबल में खोल लो मैं पढ़ता हूँ हिंदी में यहाँ से मैं स्क्रीन से पढ़ता हूँ पहला यहुन्ना की किताब पहला अध्याय पहला पद से लेकर दसवां पद तक फर्स्ट जॉन रीडिंग फ्रॉम वर्स वन टू टेन उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में से था जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुया जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो सहभागी का इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेलोशिप या एक साथ में मेल मिलाप करना और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ वे स्फो खास हुए और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए स्वाइव जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है तो फिर अंधकार में चले तो और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लोहू हमें हमें सब पापों से शुद्ध करता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा रह रहते हैं और उसका वचन हम में नहीं है हम सब प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद ये वचन जो तूने हमारे सामने रखा है तुम्हारा वचन है और इसके पढ़ने से हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं इस जीवन में इस पृथ्वी में इन दिनों में जीवन में निर्वाह निर्वा करने के लिए हमें एक मार्ग मिलता है इन शब्दों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस पर ध्यान देंगे तो उसके मुताबिक चलेंगे और एक अच्छा सहभागिता सा तुम्हारे साथ में रहेंगे करेंगे और इसके लिए हम भरसक कोशिश करेंगे कि हम तुमसे दूर ना हो जाए लेकिन तुम्हारे नजदीक ठहराए जाए ईशु के नाम से आमीन आमीन अच्छा सहभागिता या अच्छा मेल मिलाप अच्छा फेलोशिप का क्या भेद है सीक्रेट ऑफ गुड फेलोशिप फेलोशिप या सहभागिता एक शब्द है हम लोग इसको प्रसन्न करते हैं सुनते हैं जो तो अच्छा लगता है और ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहेंगे वो आज फेलोशिप होगा तो हम लोग दिल में क्या हमारे मन में क्या आता है हम लोग सोचते हैं भोजन है ना ज़रूर सब भोजन मिलेगा खाने को मिलेगा कुछ और लेकिन इसका मतलब फेलोशिप या सहभागिता का मतलब है कि ऐसे हम लोग एक जगह पर रहे जहाँ पर हम लोगों का मेल मिलाप होता है और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे में जो सबके साथ में कॉमन है एक दूसरे के साथ में आ, हम लोग उसको संभालते हैं और मानते हैं हमारे मसीह संस्था में हम लोग कहते हैं फेलोशिप तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो मैं भी विश्वास करता हूँ हम लोग सब विश्वास करते हैं एक ही प्रभु में तो ये हमारे लिए एक फेलोशिप या सहभागिता के लिए एक <coughs> मार्ग हो जाता है इसका मतलब होता है कि हम एक साथ एक जगह पर खड़े रहें परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके साथ में एक गहरा रिश्ता रखें ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग उसके साथ में गहरा रिश्ता रखें और ऐसा जीवन निर्वाह करें जिसमें कि लोग भी जाने कि हमारे साथ में परमेश्वर है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है हम लोग चाहते हैं ऐसा हो लेकिन बहुत लोग नहीं पहचानते लो कहते हो ही नहीं सकता लेकिन यह होना हम लोग को बताता है उसका विचार और कुछ है वो कहता हो सकता है वो सब हमें दिखाता है कि किस तरह से हम लोग इस सहभागिता के काम या फेलोशिप के काम परमेश्वर के साथ में एक दूसरे के साथ में रख सकते हैं शायद आप सोचेंगे मुश्किल है लेकिन वो कहता नहीं हो सकता है और हमें वो भेद बताता है किस तरह से हम करें कर सकेंगे हमारा घनिष्ठ साम्य और अंतरंग संगति के विषय में वो बताता है हम अपने पिता परमेश्वर के साथ में एक साधारण रोजाना अच्छा मसीह जीवन निर्वाह कर सकते हैं और ये एक सच्ची सच्ची बात है हकीकत है कि हम लोग कर सकते हैं परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप लेकिन एक रंग आ जाता है बीच में हमारे मसीहों के बीच में वही हो सकता है होता है पाप मसीहों के जीवन में मसीहों के जीवन में जो सच्चे मसीह विश्वासी है उनके जीवन में जब पाप आ जाता है तो क्या होता है तो हम लोग देखते हैं एक सच्चा विश्वासी जो है वो फिसल जाता है पाप में गिर जाता है जब वो पाप में गिर जाता है तो उसके संगति टूट जाता है परमेश्वर के साथ में एक दूसरे के साथ में भी लेकिन एक सच्चा मीसी जब पाप में गिर जाता है तो उसको उसके दिल में एक इच्छा आता है कि मैं जल्दी से सुधार लूं कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं फिर से ये पाप में मैं नहीं रहना चाहता हूं वो मसीह विश्वासी संतुष्ट नहीं रहेगा जब तक कि वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में फिर ठीक से नहीं कर ले क्या होता है जब पाप एक मसीही विश्वासी के जीवन में आता है तो उसका रिश्ता उसका सहभागिता उसका फेलोशिप परमेश्वर के साथ में टूट जाता है दूर हो जाता है हम लोग अलग हो जाते हैं बट परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि उसने एक तरीका हमें दिया है जिसके द्वारा हम लोग ये रिश्ता को फिर से जोड़ सकते हैं ये टूटा हुआ रिश्ता याद रखना पाप के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट सकता है मसीह विश्वासियों में भी ये होता है ये नहीं सोचना कि मैं वसी विश्वासी तो पाप नहीं होता है वहां पर खासकर मैं वसी विश्वासी जो क्रिश्चियन से बात करता हूं जब पाप आता है तो हमारा ये रिश्ता टूट जाता है लेकिन परमेश्वर ने एक तरीका दिया है फॉर्मूला जिसके द्वारा हम लोग इस रिश्ता को फिर से सुधार सकते हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग ये आनंद का जीवन जो वेस्फो में जौन योना हमें बताता है उसमें सुधार ला सकते हैं कैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं और वहाँ पर रहे एक बहुत ही सुंदर रिश्ता रख के परमेश्वर के साथ में नज़दीक का रिश्ता एक अद्भुत रिश्ता हम परमेश्वर के साथ में रख सकते हैं भले हम पाप में गिर जाते हैं दूर हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम आ सकते हैं परमेश्वर के पास एक रिश्ता रखने के तो परमेश्वर का तरीका क्या है यह अध्याय जो मैं पढ़ा हूं मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा लेकिन आप उसको पढ़ना इसमें मैं एट और टेन से मैं से कुछ बातें बताना चाहता हूं जो तरीका परमेश्वर दिया वो ये है पहला चीज कि तुम अपने पाप को पहचानो मसीह विश्वासी हो या नहीं भी है वे पहचाने कि वे पाप में है उन्होंने पाप किया है गलती किया है और परमेश्वर से उनका रिश्ता दूर रहा इस कारण से ये सच्चा सहभागिता टूट गया और ये सच्चा रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए हमें एक चीज करना होगा पहला चीज है अगर हमें क्षमा की जरूरत है तो हमें पाप को मान लेना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि मैंने पाप किया और जब हम मान लेते हैं कि परमेश्वर से हमने पाप किया तो वो तैयार रहता है हमें क्षमा करने के लिए दुनिया का जो संसार है उसका उनका जो जो विचार है पाप के विषय में बहुत न्यारा है वो बाइबल से मिलता जुलता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पाप तो है ही नहीं कहाँ से पाप आ गए क्या बातचीत करते हो ये दुनिया में पाप नहीं मनुष्य के बीच में पाप नहीं है रोमन्स में हम लोग पढ़ते हैं सब ने पाप किया नहीं? सब ने पाप किया कोई सब परमेश्वर के महिमा से रहित तो हम लोग देखते हैं संसार कहता है पाप है ही नहीं बाइबल कहता है हम लोग सब पापी हैं संसार में कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक धोखा है एक एक्सीडेंट है जब कोई पाप में गिर जाता है तो वह कहते हैं एक्सीडेंट है ये ऐसे हो गया ये सब चीज ये सब विचार जो है ये परमेश्वर के जो जो पाप के विषय में है उससे बिल्कुल न्यारा है उसमें कोई मिलता जुलता नहीं क्योंकि परमेश्वर ने ये ऐलान कर दिया कि मनुष्य पापी है मनुष्य में पाप है और हम मसीह विश्वासी जो जर, जरूर पाप में गिर जाते हैं और यह बात मैं आज बताना चाहता हूं कि अगर इस स्थिति तुम्हारे में है पाप में गिर गए हो कुछ गड़बड़ी कर दिया हम इस पाप के सुधारने के लिए इसको हटाने के लिए हमें पहला चीज ये करना पड़ेगा पर कि हम परमेश्वर के सामने मान ले कि हम पापी हैं जब तक हम पाप को मानेंगे नहीं कोई भी चीज हो पाप पाप है छोटा बड़ा पाप नहीं है सफेद हो काला पाप नहीं है सब पाप काला है सब पाप पाप ही है सब बुरा काम जो परमेश्वर की इच्छा से विरोध में सब पाप है और उसको हमें उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्षमा की जरूरत है और इसके इससे क्षमा मांगने के लिए कि हमें पहचानना हो रहा ये पाप है परमेश्वर के विरोध में काम करना परमेश्वर के विरोधी होना और यह पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता है और सच्चा मेल मिलाप फिर से नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोग मान न ले कि हम पापी हैं, हमने पाप किया गलती किया जब तक हम लोग सोचेंगे कि, कि पाप जो है ये गलती है या या धोखा हो गया है या मिस्टेक हो गया है ओ हम लोग कुछ लोग तो कहते हैं बीमारी एक तरह का तो हम लोग सोच जानेंगे कि ऐसे लोग सोचते हैं कि उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है उनको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है बाइबल की जरूरत नहीं है और यह भी जरूरत नहीं कि एक मनुष्य अपने पाप पे अंगीकार करें सब कुछ जब हम लोग कह देते हैं सब कुछ हम लोग विचार कर लेते हैं एक चीज याद रखना मनुष्य पापी है और इससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने एक तरीका दिया है सिर्फ एक तरीका है ये जो दोष हमारे में है ये पाप है उससे छुटकारा पाने के लिए एक तरीका परमेश्वर का प्लान क्या है उसका नक्शा जो है पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या है पहला चीज अपने पाप को तुम मान लो चाहे तुम मसीह विश्वासी हो या तुमने कभी नहीं पर विश्वास किया और तुम ढूंढते हो खोजते हो कैसे मैं पाप से छुटकारा पाऊं पहला कदम है पाप को मान लो कि तुम पापी है तुमने पाप किया विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा बलि हुआ और तीसरे दिन बाद जी उठा और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा अनंत जीवन पाएगा अपने पाप से छुटकारा पाएगा सिर्फ ईशु मसीह यह काम कर सकता है।, वो मरा जीव था और था है और उसका लहू हमारे पापों को ढकेगा उसका बलि जो था उसके द्वारा हम लोग अपने पाप से स्वतंत्र हो जाए और कोई तरीका नहीं है तुम चाहे कर लो कोई भी चीज कर ले मनुष्य जाति कोशिश करते हैं जानते हैं कि उनमें पाप है बोझ की तरह वे भागते इधर से उधर कि मैं ये कर दू वो कर दू ऐसे कर दू वैसे कर दू तो ये बोझ हट जाएगा लेकिन जब फिर से वे आते हैं जाते बैठते देखते वो बोझ अभी भी है वहां पर सिर्फ एक जन है जो इस बोझ को हटा सकता है वो है यीशु मसीह जब अब तो तुम अपने पाप को मान लेते हो पहचानते हो कि तुमने पाप किया है और अंगीकार करो परमेश्वर से पश्चाताप करो पाप के लिए तभी तुम छुटकारा पा सकते हो और इसमें बाइबल में बताता है कि जब हम पश्चाताप करके जब हम अंगीकार करेंगे कि मैंने पाप किया है चाहे कैसे भी हो मुझसे विश्वास ही या जो नहीं विश्वास किए पहला कदम है मानना कि तुमने पाप किया है मान लो कि तुमने पाप किया फिर उसके बाद क्या होता है तुम अंगीकार करते हो कि हाँ तुमने पाप किया पश्चाताप करो तो बाइबल में बताता है उसमें वो सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा साफ कर देगा नया जीवन तुम्हें देगा यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और कोई तरह से तुम पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हो तो पश्चाताप है क्या पश्चाताप का मतलब क्या हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं पश्चाताप करो पश्चाताप करो रिपेंटेंस इंग्लिश में है क्या इसका मतलब रिपेंटेंस पश्चाताप का मतलब है पूरी तरह से घूम जाओ पूरी तरह से घूम जाओ तुम इस मार्ग में जाते थे और अचानक तुम्हें मालूम हुआ कि तुम गलत मार्ग में है तुम वहां पर रोक कर घूम कर और फिर सही मार्ग में जाओ तुम जाते हो तुम नसोरी जाना है और तुम बस स्टैंड में हो और बैठ जाते हो एक बस में और अचानक तुम जब देखते हो बस जाता है तो उधर जाता है दूसरा तरफ जाता है मैं तो नसोरी जाना चाहता ना हुआ जाता, जाता तो तुम क्या करोगे बैठे रहोगे कि ठीक है जाने दो जाए जाए जाए, जाए 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 जब तक नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे अगर हम लोग जान लेते हैं कि एक गलत जगह पर जाता है मुझे नवसोरी जा रहा है बस न तो हम लोग बस को खड़ा करके उतर जाएंगे उसमें से और कहेंगे कि नहीं नहीं मैं इधर नहीं जाना चाहता हूं मैं निकल कर जाऊँगा दूसरा बस में बैठींगा जो मुझे नवसोरी ले जाएगा ये है पश्चाताप बिल्कुल पश्चाताप और यही चीज हमें जरूरत है अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता रखना है पूरा हमारा मार्ग जो है वो बदल जाए पश्चाताप का मतलब ये नहीं है तु, कि तुम बड़ा सोच करो क्योंकि तुम पकड़ा गए हो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जब कोई गलती काम करते हैं पाप के काम करते हैं जो पकड़ा जाते हैं तो रोते गाते सॉरी 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 पाप गए ये पश्चाताप नहीं पश्चाताप है घूम जाना पूरा याद रखना ये बात पूरा घूम जाना तुम इस मार्ग में हो तो मालूम हुआ तुम, तुम गलती करते हो उसको छोड़कर तुम सही मार्ग में चलो दूसरा चीज जरूरत है जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं पाप को छोड़ देते हैं और नया मार्ग में चलते हैं तो हमारा पाप जो है वो हमेशा के लिए हटा दिया जाता है ढक जाता है और तुम्हारा पाप क्षमा हो जाता है और तुम्हें वो शांति और आनंद मिल जाता है बहुत जरूरत है परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए हमें पाप से दूर होना पड़ेगा हटाना पड़ेगा अगर हम पाप में हैं तो ये हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में जो है उसको बर्बाद कर देता है हम लोग उससे रिश्ता नहीं रख सके क्योंकि ये पाप बीच में आकर एक अड़ंगा लगाते रहेगा पूरा बर्बाद कर देगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पाप को छिपा कर रखते हैं अपने जीवन में वे जानते हैं कि वो पाप के काम किया गलत मार्ग में है लेकिन छिपा कर रखते हैं कुछ बताते है, नहीं है उसके विषय में कुछ करते नहीं उनमें पाप है लेकिन वह इस तरह से जीवन रहते एक झूठा जीवन निर्वाह करते हैं पाप के काम तो कर दिया लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं उससे हटने के लिए और वो झूठा जीवन में वे निर्वाह करते हैं सब कुछ तो ठीक है बाहर सब कुछ तो ठीक है लेकिन अंदर में पाप है वे अपने आप को झूठा बना देते हैं वे दूसरों को झूठा बना देते हैं वे परमेश्वर से झूठा जु, परमेश्वर को झूठा बना देते हैं और अंत में क्या होता है कि वो अपने आप विश्वास करने लगते हैं ये झूठा बात जो है कि मैंने पाप नहीं किया मुझमें पाप नहीं है विश्वास कर लेते हैं और जब हम इस जगह पर आ जाते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर तुम भी झूठा हो क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो वो सच नहीं है परमेश्वर को भी झूठा बना देते हैं यह एक बहुत खतरनाक जगह है क्योंकि तुम कभी भी आनंद और खुशहाली का जीवन एक सफल जीवन नहीं निर्वाह पाओगे जब तक तुम उस पाप को हटाओगे नहीं जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे जब तक तुम यीशु के पास आकर कहोगे कि नहीं मैं एक पापी हूं तुम एक अच्छा जीवन नहीं निर्वाह क्योंकि वो दोष रहेगा मैंने पाप किया मैंने गलती किया उसके विरोध में इसके विरोध में मैं ये किया वो किया मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है लेकिन तुम झूठ बोल बोलकर अपने आप में तुम विश्वास करने लगते हो ये ठीक है इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं बहुत अफसोस की बात है बहुत लोग इस जगह पर हैं पाप को परमेश्वर के सामने लाना होगा अगर पाप से तुम छुटकारा चाहते हो तुम्हें परमेश्वर के सामने और पाप को लाना पड़ेगा तभी हम लोग एक पवित्र सुंदर अच्छा मेल मिलाप का जीवन निर्वाह कर सकेंगे परमेश्वर के साथ में क्योंकि ज्योति जो है वो हमें प्रकाश देता है और हमें चीजों को दिखाता है हम लोग जानते हैं कि जब अंधकार है हम लोग नहीं देख पाएंगे बत्ती वहां पर बाढ़ दो ज्योति ला दो तो हम लोग देख सकेंगे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है बाइबल ज्योति है इससे हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं इसलिए जानते हो बहुत लोग चर्च में नहीं आना चाहते हैं। ऐसे सभा में नहीं भाग लेना चाहते हैं क्योंकि उनमें पाप है और वे लोग जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर पर का वचन है यहाँ पर यीशु का ज्योति चमक रहा है हम लोग यहाँ पुलपी से बताते हैं कि ज्योति के विषय में पाप के विषय में और वे लोग उसके सामना नहीं करना चाहते क्योंकि उनमें पाप है तो वे ज्योति के सामना नहीं करना चाहते तो वे आएंगे यहां पर रहेंगे उनका पाप दिखाई देगा और उससे दूर रहना चाहते हैं पवित्र आत्मा उनको दिखाएगा परमेश्वर का वचन उनको दिखाएगा पवित्र आत्मा उनको दोष लगाएगा कि तुम पापी हो इसलिए वे लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते मसीह विश्वासियों के विषय में बात करता हूँ बहुत से मसीह विश्वासी आज यहाँ पर नहीं है चर्च में नहीं आना चाहते क्योंकि उनके दिल में पाप है उनके जीवन में पाप है और वे जानते हैं कि परमेश्वर उनको दोष लगाएगा ज्योति हमें दिखाता है हमारे गलतियों को दिखाता है परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप करना तुमसे हमसे सब पुत्र पुत्री से वो चाहता है मेल मिलाप करने के लिए तो इसीलिए वो कहता है कि अपने पाप को उसके सामने ला दो छिपा कर नहीं रखो, उसके सामने लाओ परमेश्वर के सामने पाप हटाने से पहले पाप को ज्योति के सामने आना पड़ेगा और परमेश्वर के सामने छिपे हुए पाप जो कुछ भी हो वो तुम्हें बर्बाद करते चला जाएगा रोज बरोज बर वो बर्बाद करते चला जाएगा अगर पाप को तुम छिपाओगे जिसे मैंने बताया झूठ बोल रहे परमेश्वर जानता है तुम तो परमेश्वर से कोई नई चीज कोई चीज नहीं छिपा सकते हो वो चाहता है कि तुम उसके सामने ईमानदार रहो सच्चा रहो और अगर पाप किया है वो तैयार है क्षमा करने के लिए परमेश्वर पाप क्षमा के लिए जिसे मैंने बताया एक तरीका दिया है अंगीकार करना कॉन्फेशन इंग्लिश में लोग कहते हैं टू फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव ऑल योर अपने पाप का अंगीकार करोगे तो यीशु मसीह हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है चाहे कैसा भी पाप हो वो क्षमा करने के लिए तैयार है लेकिन उसके पास हमें आना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा यीशु मसीह तुमने मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा और मैं पापी हूं मैंने ये पाप किया या वो पाया पाप के नाम लेकर उसके सामने तुम करो मैंने चोरी किया घुस दिया मैंने झूठ बोला मैंने वे विचार करा मैंने ये करा वो करा जो कुछ भी हो नाम लेकर उसको बताओ तब बाइबल बताता है उसके लहू हमें सब पापों से क्षमा कर लेगा ढक लेगा फिर से कभी नहीं याद करेगा जब हम पाप में गिर जाते हैं बहुत ही जरूरत है कि मान लो तुमने पाप किया और तुरंत अंगीकार कर लो योर से इमीडिएटली सबसे सुंदर सुसमाचार ये है मसीह विश्वासियों के लिए एक जगह है जहां पर हम लोग आकर पाप से क्षमा पाप कर सकते हैं मैं खासकर मसीह विश्वासियों से बातचीत करता हूं बहुत से मसीह विश्वासी है जो पाप में गिर जाते हैं और जिसे सोचते हैं कुछ नहीं हुआ कोई नहीं जानता है और वे कोशिश करते हैं उसी तरह से जीवन निर्वाह करने के लिए गलत है लेकिन परमेश्वर ने एक मार्ग बताया है कि हम उसके वचन पर आराम कर सकते हैं उसके वचन पर हम भरोसा रख सकते हैं उसके तरीका पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं परमेश्वर ये तुम्हारा तरीका है मैं इसी मार्ग से चलूंगा रिश्ता फिर से ठीक करने के लिए यही है सुसमाचार मसीह विश्वासियों के लिए कि एक जगह है जहाँ पर हम लोग पाप को ला सकते हैं और उससे उसको विषय में कुछ कर सकते हैं पाप के विषय में एक ऐसे जगह है जहाँ पर जो दोष हमारे में है पाप के कारण हमारे में दोष लग जाता है ओ तुमने ऐसे किया तुम्हारे हृदय में एक आवाज आता है वो कहता है कि तुमने पाप किया और दोषी बढ़ाए और इसके जगह पर हम लोग एक ऐसे जगह है जहां पर ये दोष जो है गिल्टी कॉन्शियंस को हम लोग हटा सकते हैं शांति को ला सकते हैं क्योंकि मनुष्य जाति कोशिश करते हैं कि वो क्षमा प्राप्त करे और शांति को प्राप्त करे कोई भी आदमी इस दुनिया में कहीं पर भी है आप लोग जो सुनते हो यहाँ पर अगर यीशु को विश्वास ही नहीं हो जो लोग ऑनलाइन सुनते हो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें मार्ग दिखा सकते तुम खोजते हो क्योंकि हमारे हृदय में खालीपन है वो खालीपन पूरा नहीं होगा भरेगे नहीं जब तक हम सच्चा परमेश्वर से नहीं मिलेंगे और तुम भटकते हो उधर से उधर कि कैसे मेरा पाप क्षमा हो जाए कैसे मैं पाप से स्वतंत्र हो सकता हूं और तुम्हें जो कुछ बताया जाए तुम करने के लिए तैयार हो भागते उधर से उधर यहां जाओ वहां जाओ ये करो वो करो दान पुण्य करो ये करना सब कुछ करना लेकिन अच्छी तरह से तुम जानते हो कि वो तुम्हारे में तुम्हें संतुष्ट नहीं करता डजेंट सेटिस्फाई यू यू स्टिल हंगरी फॉर पीस दोष के बदले में शांति प्राप्त करने के लिए एक जगह है पाप के बदले में छुटका पाप से छुटकारा पाने के लिए एक जगह है मनुष्य खोजते हैं और यह है क्षमा जो यीशु मसीह देता है बिना दाम के उसने कहा मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा वो तुम्हारे लिए बली हुआ तुम्हारे पापों को छुटकारा देने के लिए वो बली हुआ उसका लहू हमें पापों से क्षमा करेगा वो क्रूस पर मरा लहू बहाया और परमेश्वर पिता को यह लहू स्वीकार हुआ और उसने कहा जो कोई ईश्व पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और क्रूस पर मरा उसका लहू हमें सब पापों से क्षमा करेगा ईशु का लहू थक लेगा परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा हम शांति प्राप्त करेंगे उसे एक ही मार्ग है और वो है यीशु और कोई नहीं और कोई तुम्हें पाप से क्षमा नहीं कर सकता और कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकता है जो शांति सिर्फ यीशु मसीह देता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्रूस पर बली हुआ वो लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ आज हम लोग प्रभु भोज लेंगे उसके याद में हम लोग लेंगे यीशु ने कहा मेरे याद में किया करना मेरा शरीर तोड़ा गया मेरा लहू बहा जिसमें तुम पाप से छुटकारा पा सको परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए उसने पापियों को दोषी ठहराया लेकिन उसने उनसे इतना प्रेम किया कि एक मार्ग हमें दिया है तुम अगर मसीह विश्वासी हो पाप में गिरे हो बहुत ही जरूरत है कि तुम आकर उसको कहो कि हाँ मैंने पाप किया मैंने ये किया मैं वो किया मुझे क्षमा कर दो और परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार और जब क्षमा प्राप्त कर लोगे तब तुम एक आनंदमय खुशहाली का जीवन निर्वाह कर सकोगे जब तक ना ये होगा क्षमा वो दोष यहाँ पर लगते रहेगा वो दोष आते रहेगा अरे तुम तो ऐसे कर दिया रहा। अरे उसके विरुद्ध तो में ऐसे कर दिया इस पाप हम कर दिया रहा। वो दोष लगते थे लेकिन जिस दिन तुम परमेश्वर के सामने क्षमा मांगोगे और परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा वो दोष जो है वो हट जाएगा वो विश्वास योग्य है क्षमा करने के लिए साफ करने के लिए चाहे जितने बार तुम उसके पास आओ चाहे कितना गहरा पाप में तुम गिर जाओ कितना नीचे तुम गिर जाओ परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है और एक ही मार्ग है क्षमा करने के लिए और स्वर जाने के लिए और जब हम उसके पास आते हैं अंगीकार करते हैं कि मैं एक पापी हूं मैंने पाप किया वो हमारे पापों को हटा देता है और ये ऐलान करता है कि इन दोष रहित नहीं हो तुम दोष रहित हो नॉट गिल्टी राइट वेन यू कन्फेस योर सिंस वेन यू कम से लॉर्ड आई sinned.

कोई तुम्हारे विरोध में कुछ कर दिया तुम कभी भूलोगे नहीं हमारे बारे में इसे कर दिया तुम वो को केयर ये लेकिन परमेश्वर के पास जब हम लोग अंगीकार करके आते हैं वो हमें क्षमा कर देता है और बाइबल में बताता है वो फिर से उसको नहीं याद करेगा तुम्हारे विरोध में वो नहीं लाएगा जब तुम अंगीकार करके पश्चाताप करके उसके सामने आते हो। और ये काम कोई खास व्यक्ति के लिए नहीं है जो कोई उस पर विश्वास करेगा हम लोग जानते हैं उस पद को जोन चैप्टर थ्री सिक्सटीन में परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो कोई उस पर विश्वास करे वो सो एवा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा कितना भारी खुशखबरी है और क्या हमें करना है हमें सिर्फ इतना करना है कि हे परमेश्वर मैं दोषमंद मैंने दोष पहने पाप किया मैं गलती किया मैं मैं गलत मार्ग में चला गया मुझे क्षमा कर दो और वो क्षमा करने के लिए तैयार है चाहे तुम मसीह विश्वासी हो या तुमने कभी नहीं मसीह के पास आया और तुम ढूंढते हो आज क्षमा प्राप्त करने के लिए पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है तुम्हें क्षमा करने के लिए लेकिन पहला कदम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करने के लिए कि मान लो कि तुम एक पापी हो मान लो तुमने पाप के काम किया जानते हो तुम मुक्ति नहीं प्राप्त करते हो जब तक तुम अपने आप को साफ नहीं कर पाओगे पवित्र नहीं कर पाओगे ये काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया तुम्हें करने की जरूरत नहीं है यू डोंट हैव टू डू दिस यू डोंट हैव टू रन अराउंड एंड ट्राई टू फाइंड अ वे ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंह प्रभु यीशु मसीह कर दिया उसने काम को कर दिया है तुम्हें दान पुण्य करने की जरूरत नहीं तुम्हें यहां जाने के यहां जाने के लिए नहीं जरूरत है कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है यीशु मसीह क्रूस पर जब मरा तो हमारे पापों को क्षमा किया तुम्हें सिर्फ एक चीज करना है विश्वास करो यीशु पर सिर्फ इतना कहना है हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं तुमने मेरे लिए क्रूस पर मरा और मैं एक पापी मनुष्य हूं तुम्हारे सामने आता हूं मुझे क्षमा कर दो पाप के क्षमा करने का कर्ज जो है यीशु मसीह चुका दिया तुम्हें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद अंत में मैं एक इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए एक घटना बताना चाहता हूँ बहुत कई वर्ष के बाद मेरा पिताजी उस समय पॉलिटिक्स में था एनएफपी के फाउंडर है और मेरे ख्याल से 1959 में से कुछ था एक बड़ा स्ट्राइक हुआ गन्ना के किसान लोग स्ट्राइक किए थे और मेरे पिताजी उसमें अगवाई करता था क्योंकि सी एस आर और ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ गड़बड़ी रहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता था तो लेकिन ये चीज़ है <clears throat> उस समय मोटर गाड़ी बहुत नहीं था मेरे पिताजी के पास सिर्फ एक लैंड रोवा था फर्स्ट लैंड रोवर दैट केम टू फी वो मेरे पिताजी के था सेवन फोर फाइव सेवन उसके पास ना और वो लैंड रोवा लेकर सब जगह जाता था लोगों के उत्साह करने के लिए कि स्ट्राइक में लगे रहो नहीं काटो गन्ना ये पुलिस आया उसके पास और बताया कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा वैन हम लोग के काम में पिताजी बताया कि नहीं ये बहन तो मेरे माँ उसके पत्नी की है उसके नाम पर है मैं तुम्हें नहीं दे सकता लेकिन मेरे जबरदन ले गए और पिताजी को अरेस्ट करके वो लगे कोर्ट ले गया मुकदमा चला और उन्होंने कहा तुम गिल्टी मैं गलत काम किया एक महीना के जेल या बीस डॉलर फाइन बीस पाउंड ट्वेंटी पाउंड फाइन और वन मंथ इन जेल मैं ये यह यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब ये सुना मेरा पिताजी को पता था मेरे पास पैसा नहीं कोई एक आदमी जो वहाँ पर था हम लोग नहीं जानते कौन रहा उसने खड़ा होकर करा या बीस डॉलर बीस पाउंड मैं देता हूँ ट्वेंटी पाउंड आई एम गिविंग जाकर मेजिस्ट्रेट को दिया टेन ट्वेंटी पाउंड और मेरा पिताजी फ्री हो गया समझते हो मैं क्या कहता हूं किसी ने दाम को दे दिया और वो छुटकारा पाया उसको जेल नहीं जाना पड़ा मेरे ख्याल से एक रात जेल में रहा हूं उसको जेल नहीं चाहिए महीना का जो सजा मजिस्ट्रेट दिया था वो छुट गया खत्म हो गया क्यों क्योंकि किसी ने दाम को भर दिया दे दिया मसीह ने हमारे कर्ज को चुका दिया क्रूस पर हमारे ऊपर दोष नहीं जब हम उस पर उस पर विश्वास करेंगे और कहेंगे धन्यवाद यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा कर दिया चाहे तुम मसीह विश्वासी हो या तुमने कभी नहीं यीशु को अपना जीवन दिया ये गिफ्ट जो है तुम्हारे लिए मुफ्त में मिलता है तुम्हें बिना दाम से मिलता है पाप के मजदूरी तो मृत्यु लेकिन परमेश्वर का बरदान अनंत जीवन ईशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन ईशु मसीह के द्वारा तो मजदूरी क्या है मृत्यु नरक ये आपके लिए है आप उस पर आज भी विश्वास कर सकते हो लेकिन कदम मैंने बताया कि पहला चीज है अंगीकार करो कि तुम एक पापी मनुष्य हो मसीह विश्वासी हो अंगीकार करो परमेश्वर के सामने कि हाँ मैंने पाप किया हो मैं विश्वासी हूं लेकिन फिर भी मैंने पाप किया गलत किया हूं मुझे क्षमा कर दो और मसीह क्षमा करता है कोई भी व्यक्ति जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा आप मेरे साथ में खड़े हो जाए इसमें थैंक यू जी हम सब प्रार्थना करें क्या तुम्हारे मन की इच्छा ये नहीं है कि मैं परमेश्वर के साथ में संगति करूं, फेलोशिप करूं, मेल मिलाप करूं और ये मेल मिलाप करने के लिए एक मार्ग है और वो मार्ग है यीशु मसीह उसके द्वारा आप ऑनलाइन सुनते हो आप प्रभु यीशु मसीह आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हो एक मार्ग है वही यीशु मसीह मैं प्रभु भोज में जानेंगे और मसी और मैं मसी विश्वासी लोग जो यहाँ पर है उनसे कहता हूँ कि अगर कोई दोष है अगर तुम्हारे में कोई पाप है उसको अंगीकार कर लो मान लो छिपा कर नहीं रखो मान लो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को बताने की जरूरत नहीं तो मैं सिर्फ परमेश्वर से बताऊं परमेश्वर से बताऊं हे hey, परमेश्वर मैंने पाप किया है मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पाप का कर्ज को चुका दिया है मुझे क्षमा कर दो और वो तुरंत क्षमा करेगा है बोल धन्यवाद